तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा सब, हुआ न कोई बोर। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, बेचारे पति आए देख तमाशा देख, तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, सुसु डॉलिंग मैं जा रहा हूँ। कितना खास रहे हो, कल रात को मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया, कल मेरे सारे सपनों का सत्यानाश कर दिया तुमने। कौन सा सपना देखा था तुमने कल रात को? कल मेरे सपने में एक राजकुमार आया था सफेद घोड़े पर बैठकर। हाँ। उसने मुझे हल्के से उठाया, हल्के से उठाया। हाँ, और घोड़े पे बिठाया। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे और राजकुमार घोड़े से गिर गया। तुम खास हो रहे थे, तुम्हारे खासने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। चुप रहो, एक अनजान राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठती हो, शर्म नहीं आती ऐसे सपने देखते हुए? नहीं आती, क्योंकि जब मैंने पलट कर देखा तो राजकुमार तुम थे और खास रहे थे। लालू कितने खास रहे हो, कल क्या खाया था तुमने? वो प्रिंसिपल के टिफिन से मैंने दो पकौड़े खाए थे। लो, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं हर रोज तुम्हें टिफिन बना के देती हूँ, फिर भी प्रिंसिपल के टिफिन में छापने की क्या जरूरत होती है? अरे उनके टिफिन में खाने के साथ साथ उनकी वाइफ की लिखी हुई चिट्ठी भी होती है, और वो चिट्ठी इतनी मसालेदार होती है कि जिसे पढ़ने के बाद नोवेल पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्या लिखा होता है उसमें? कल की चिट्ठी में लिखा था, डार्लिंग चंदू, चंदू चंदू हमारे प्रिंसिपल का नाम है चंद्रकांत राठौर। चिट्ठी में लिखा था, डार्लिंग चंदू आज सुबह मैंने तुम्हारे सर पर बेलन मारा, उसके लिए आई एम सॉरी। लालो तुमने अगर खासना बंद नहीं किया ना तो कल से तुम्हारे टिफिन में भी ऐसी चिट्ठी आएगी, समझे? मैं निकल रहा हूँ। भैया बाहर कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं खाना। ऐसी वैसी चीज से मतलब? मेरा मतलब तली हुई चीजें, शहर में खांसी की बीमारी फैली हुई है। अच्छा? ये लो लालू तुम्हारा टिफिन। अरे कमाल कर दिया, आज तो लजवस पका के दे दिया। हाँ, लेकिन अपनी सेक्रेटरी के साथ मत शेयर करना। अरे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ यार। अच्छा हा? कल मैंने तुम्हें बैंगन की सब्जी दी थी, जब शाम को डब्बा खोला तो बीच में चिकन की हड्डियाँ कैसे निकली? बैंगन में हड्डी नहीं होती क्या? देखा रिचा, कल इन्होंने नहीं खाया बैंगन। अच्छा मैं चलता हूँ। भैया तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाभी आपको पता नहीं शहर में खांसी की बीमारी फैली हुई है। अच्छा अच्छा मैं तली हुई चीजें नहीं खाऊंगा। बाय द वे लंच बॉक्स में क्या बना के दिया है? फ्राइड फिश। लगता है बीमार हो। गुड मॉर्निंग देशपांडे, खांसी हो गई क्या? कोई दवा ली? अच्छा हुआ तुमने दवा नहीं ली, अब दो दिन में तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये खांसी हुई कैसे? हाँ तुमने जलेबी खाई तो फिर? अरे ये गोल गोल क्या दिखा रहे हो? समझ गया समझ गया समझ गया, उस औरत की वजह से तुम्हें खांसी हो गई। वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि हवा में तेरे जैसे कई कीटाणु फैल गए हैं। गुड मॉर्निंग पांडे। गुड मॉर्निंग जोशी, ये मुंह सजा के क्यों खड़ा है भाई? अरे अरे खास रहे तो मुंह बंद कर गए खास यार। देख देशपांडे तू जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा, वरना तू इतनी जोर से खास रहा है कि BST की बस यहाँ तक आती ही नहीं, पिछले स्टॉप से वापस चली जाती है। वैसे पॉल्यूशन कम है क्या? खास खास के तबाही मचा रखी है। मैं तो स्कूटर चलाते वक्त रुमाल से अपना मुंह और नाक ढक लेता हूँ। लगता है मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। लगता है पांडे ने मुंह और नाक के साथ साथ अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली। यस सर। व्हाट? ओह माय गॉड। ओके सर। या
थैंक यू वेरी मच। अरे सर, आपने टेलीफोन ड्रॉअर में रख दिया। आई एम सॉरी। क्या बात है सर, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से फोन था, उनका एजुकेशन इंस्पेक्टर किसी भी दिन किसी भी वक्त अपने कॉलेज में आ सकता है। तुम एक काम करो, स्टाफ रूम में जाओ और देशपांडे को बोलो मैंने बुलाया है। लेकिन सर, देशपांडे जी तो अभी तक आए ही नहीं। क्या अभी तक नहीं है? मतलब सारे लेक्चर्स मिस किए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि देशपांडे जी जब क्लास में जाते हैं तब भी स्टूडेंट्स उनका लेक्चर मिस नहीं करते। समझ में नहीं आता कॉलेज ऐसे प्रोफेसरों को क्यों रखती है। सर, आपके और देशपांडे जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। क्या मतलब? वो भी अक्सर आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। क्या? सर, लगता है देशपांडे जी आ गए। मैं कैसे मालूम? इतने कॉमिक वे में तो सिर्फ वही खास सकते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहने का वक्त हो गया है। ओके, गुड इवनिंग सर। देशपांडे, तुम्हें शर्म आया, लज्जा कुछ है कि नहीं? शीतल जी को अपने कैबिन में बुलाकर कौन बैठा है? मैं। शर्म आपको आनी चाहिए। एक प्रोफेसरों के इतनी भी तमीज नहीं है कि खांसते वक्त मुंह के पास रुमाल रखना चाहिए? ओके, लाइए रुमाल। मेरा रुमाल क्यों मांग रहे हो? अपना यूज करो। अरे, अपना रुमाल यूज करता हूँ तो खांसी और बढ़ जाती है। लेकिन देशपांडे जी, आपको ये खांसी हो कैसे गई? अरे शीतल जी, कल मैंने प्रिंसिपल साहब के टिफिन से तले हुए पकोड़े खाए ना, इसलिए खांसी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टिफिन को हाथ लगाने की? सर, वैसे तो हिम्मत नहीं करता, लेकिन उस वक्त आप बाथरूम में थे इसलिए खा लिए। खबरदार दोबारा मेरे टिफिन को हाथ लगाया तो। आई एम सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखा, डर गया। डर नहीं गया हूँ, पिछली बार आपके टिफिन से मैंने दही खाया था तो मुझे जुकाम हो गया, इस बार मैंने तले हुए पकोड़े खाए तो मुझे खांसी हो गई। पता नहीं ऐसा घटिया खाना खाकर आप जिंदा कैसे रह सकते। लेकिन देशपांडे जी, मुझे नहीं लगता कि ये खांसी आपको प्रिंसिपल साहब के टिफिन के पकौड़ों से हुई है। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन? वो कल आपने मुझे बार बार अपनी कैबिन में बुलाया ना, इसलिए वायरल इन्फेक्शन लग गया। दूर रहो, अभी कभी मेरी कैबिन में मत आना, जाके स्टाफ रूम में बैठो और कुछ गोली वोली खा लो। कौन सी गोली खाऊं सर? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को जाके पूछो। जा, जब भी ये आदमी मेरी कैबिन में आता है मेरा मूड खराब कर देता है। ये क्या हो रहा है मेरी कॉलेज में? सर, लगता है देशपांडे जी की खांसी सारे कॉलेज को लग गई है। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या। भाभी, ओ भाभी, देखो भैया आ गए। अरे क्यों शांति की तरह इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रही है, जैसे कि तेरे भैया जेल से छूट के आए। अरे ऑफिस भी तो जेल की तरह ही होता है। क्या हुआ, खांस क्यों रहे हो? पता नहीं, दोपहर से खांसी शुरू हो गई है। क्या खाया था लंच में? वही जो तुमने फ्राई फिश दी थी यार। भैया, आपको मैंने मना किया था तली हुई चीजें खाने से। अभी मैं क्या करता, तुम्हारी भाभी ने फ्राई फिश दी थी, मैं क्या करता? वैसे खांसी इसकी फिश के कारण नहीं हुई यार। तो अरे सुबह देश पांडे खड़ा था, मैंने सोचा जाके दो मिनट बात कर लूं उसके साथ, वो खा रहा, खाओ खाओ, देखो कुत्ते की तरह खा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों में तो खांसी की कंपटीशन चल रही हो। लालू, कितना खांस रहे हो तुम, वहां पांडे भी खांस रहा है, कहीं पांडे की खांसी तो तुम्हें नहीं लग गई? मैं अभी ऐश्वर्या को फोन करके पूछती हूँ। हेलो ऐश्वर्या। हाँ बोल। अरे तुम्हारे हस्बैंड को कितनी खांसी हुई है, उसे कुछ दवाई क्यों नहीं देती? अरे मेरे हस्बैंड की फिक्र करने के बजाय तो पहले अपने हस्बैंड को दवाई दे। देखो, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मेरे हस्बैंड को खांसी हुई है, समझी? सुष्मिता, लगता है कि देश पांडे ने तुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मनु मुझे बता रहा था कि आज सुबह बस स्टॉप पे देश पांडे ऐसे खांस रहा था जैसे कि उसने पूरे शहर में खांसी फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। तुमसे तो बात करना भी गुनाह है और तुम्हारी बात सुनना भी गुनाह है। लालू, तुम्हें इतनी खांसी हुई है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैं गया था तो दवा खाना बंद था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को खांसी हुई है। लालू, ऐश्वर्या, क्या है जोशी? पांडे की खांसी अब कैसी है? अरे देश पांडे के बच्चे ने मरवा दिया यार, दो मिनट में उसके साथ क्या बात की, खांसी से सत्यानाश हो गया, सड़क पे चलना दूभर हो गया यार। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे जब भी सड़क पे चलता हूँ तो औरतें मुड़ मुड़ के गुस्से में देखती है यार। ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? हाँ, वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है हवा के जरिए फैलने वाली बीमारी। हवा में तरह तरह के कीटाणु होते हैं, अगर हम उनके कांटेक्ट में आ जाएं तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। ऐश्वर्या बराबर है ना?
वैसे जोशी ये बीमारी बहुत ही फैल रही है आजकल। पता है कल मैंने अपनी मम्मी को फोन किया ये कहने के लिए कि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टी पे आना चाहती हूँ, तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि वहाँ पर सबको वायरल इन्फेक्शन है। अपनी भाभी की बात रहे दो, जब भी उन्हें तुम्हें टालना होता है तो यही कहते हैं यार सब बीमार है। अच्छा पांडे एक मिनट, पांडे देखो मैंने तुम्हारे लिए स्टीम मशीन लाया है। डॉक्टरों का कहना है कि स्टीम मशीन यूज करने से खांसी तुरंत गायब हो जाती है। हमें नहीं चाहिए। अरे सुष्मिता देशपांडे ने भी खरीदी है। हाँ तब तो लेनी पड़ेगी जरूर। कितने की है? 4,500। सारी दुनिया 200 में बेचती है, तू 450 की क्या बात करता है यार? नहीं नहीं, जब से खांसी की बीमारी फैली हुई है इसकी कीमत बढ़ गई है। जानते हो देशपांडे के कॉलेज में उसके प्रिंसिपल को भी खांसी की बीमारी हो गई है। ओ, तो इसका पता देशपांडे कॉलेज से लाया है इस खांसी को? नहीं, देशपांडे के जरिए बीमारी कॉलेज तक पहुंची है। मतलब यूनिवर्सिटी तक पहुंची। चल निकल अब यहां से। मेरे पैसे। अरे सर आपने क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? तुम्हारा मतलब मुझे क्या लेना चाहिए? कोई खांसी की गोली वोली? खांसी की गोली? हाँ। अरे कल रात से मैंने इतनी खांसी की गोलियां खाई है, ये देखो। हाँ। आज मैं कॉलेज आ रहा था तो मेरे पेट से झुंझुनाने की आवाज आ रही थी। ये तो आप एग्जैगरेट कर रहे हैं सर। कुछ एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार का बच्चा घर में रो रहा था, मैं उसके पास गया, मैंने सिर्फ पेट हिलाया ना तो चुप हो गया। मैं नहीं मानती आप मजाक कर रहे हैं। नहीं मानती, नहीं मानती, सुनना है झुंझुना, ये सुनो। आपका हो गया सर? देशपांडे तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? नहीं सर, मुझे लगा कि आप शीतल जी को अफ्रीकन डांस करके दिखा रहे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मैं उसे बता रहा था कल रात से मैंने कितनी खांसी की गोलियां खाई है। देशपांडे जी, प्रिंसिपल साहब की खांसी का कुछ इलाज कीजिए ना। इलाज भी तो लेकर आया हूँ, ये देखिए सर इस मशीन को देखिए, इस मशीन में पानी डालकर स्टीम लेने से आपकी सारी खांसी गायब हो जाएगी। मशीन ये हटाया से मशीन मशीन कुछ नहीं है। एक मिनट देख तो लीजिए, शीतल जी आपके पास काबिल है? टॉवल? देश पांडे जी मैं कॉलेज में नहाने के लिए आती हूँ। सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट शीतल जी यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ये लीजिए ये वायर लीजिए और प्लग में डालिए। अब बैठिए ना सर, बैठिए, दो मिनट में आपकी खांसी गायब हो जाएगी। बैठिए सर, वायर डाला, एक मिनट इसमें मुंह डालिए सर, मुंह डालिए डालिए सर, एक मिनट में अभी चालू करके देता हूँ। अभी ठीक हो जाएगा सर, डोंट वरी। सचिन जरूर मिलेंगे। हाँ कभी। अरे सचिन यहाँ पे बड़ी डिस्टर्ब है, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। भाभी, ओ भाभी देखो भैया कितना क्या करूँ? क्या हो गया मनु तुम्हें, क्या हो गया? अरे थापना बंद करो यार, उसे ज्यादा खांसी आती है। पांडे, अरे देश पांडे कैसा है तू? पांडे मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। हाँ दिख ही रहा है वो तो। देखो ना देश पांडे जी, आपकी वजह से मनु का क्या हो गया, बेचारा कितना खांस रहा है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, खांसी की बीमारी तो पूरे शहर में फैली है। ये बीमारी तूने फैलाई है सारे शहर में, खासकर मुझे तो तुझसे हुई है बीमारी। तो फिकर मत कर पांडे, खांसी की बीमारी के लिए ये देख एक बहुत ही स्ट्रांग बाम लेकर आया हूँ। मुझे जब भी खांसी होती है सुष्मिता ये बाम मेरे पूरे बदन पर लगा के देती है, खांसी गायब हो जाती है। सुष्मिता ये बाम लगाती है तो फिर हमें नहीं चाहिए ये बाम। अरे नहीं नहीं ऐश्वर्या ऐसा मत करो यार, इतने प्यार से अगर उसने अपने पति का बाम मुझे दिया तो लगाने दो ना मुझे यार। चल पांडे मैं चलता हूँ, क्या है तेरे घर का वातावरण प्रदूषित हो गया, मैं खुली हवा में जाके खांसना चाहता हूँ। जाओ मनु ये बाम लगाओ, तुम्हारी खांसी कम हो जाएगी। अरे सचिन तू, अरे मेरे जीजू ने कोई बाम की शीशी देकर गए? हाँ क्यों? वो बाम नहीं था। तो क्या है? अरे मेरी दीदी मार्केट से रेडीमेड हरी मिर्च का पेस्ट ले आई थी, वो वही था। ओह माय गॉड मनु, अरे सचिन कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, किसी रास्ते से भी जाऊं,
तो एक ही जगह पहुंचता हूँ। कहाँ? तेरे घर के सामने। वो ठीक है, देखो सचू कुछ दिनों के लिए तुम मेरे घर के सामने से गुजरना छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे जीजू को खांसी है ना, वो खांसी तुम्हारे जरिए मुझ तक नहीं पहुंच जाए। अरे अरे खांसी तो तेरे टकले भैया को भी है, तो उनकी खांसी तेरे जरिए मुझ तक भी तो पहुँच सकती है। ठीक है मैं जा रही। अरे मेरी जान, मेरा मतलब ये था कि हम दोनों के प्यार के बीच में ये घर वालों की खांसी कहाँ से आ गई। झूठ क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं कहा। नहीं तो फिर कहूँ ना? कभी नहीं। क्यों? अगर मैंने तुमको आई लव यू कह दिया तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा मुझ में। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा आई लव यू, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया। लड़कियों की बात अलग है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू कहता है तो इंटरेस्ट कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। देखो जान, हम लड़कों के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, तुम एक बार मुझे आई लव यू कह के तो देखो। देखो मैं तुमसे आई लव यू तभी कहूंगी जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगी। बोर हो जाऊंगी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें यू बोर कर सकता हूँ। कैसे? अगली बार जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो जीजू को साथ ले आऊंगा, तुम फौरन बोर हो जाओगे। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमसे ज्यादा तुम्हारे जीजू इंटरेस्टिंग है। जीजू मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है कि मैं, इसका मतलब है कि मैं बोर हूँ। ए रिचू, रिचू तुम मुझे कौन है? डरता क्यों है दोस्त, मैं भी तेरी तरह बिल्कुल अकेला और तन्हा हो गया। चल चल के कहीं चाय पीते, लेकिन सुन ऐसे कभी लात नहीं मारना, चल। ए रिचू, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है का मतलब गटर साफ कर रहे हैं। अरे लेकिन तुम लोग तो गटर साफ करने के बजाय गटर का ढक्कन खोल के खड़े हो। क्या बात है देशपांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ना जोशी, ये लोग गटर साफ करने की बजाय गटर का ढक्कन खोल के खड़े। हाँ लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इससे जो भी बाहर निकलता है उस पर पहला हक इनका होता है, तुम चलो। जोशी तुम चुप रहो। तुम लोग म्युनिसिपैलिटी वाले हो ना, तुम लोग जानते हो इस तरह गटर खोल के रखने से हवा में वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है, बीमारियां फैलती है। ये खांसी की आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, अच्छी है। शट अप, ये खांसी तुम लोगों की वजह से हुई है। अरे जाने दो देशपांडे, क्यों बहस कर रहे हो, बेचारा गरीब आदमी है। ये गरीब आदमी नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी वाला है और मैं म्युनिसिपैलिटी वाले के साथ बहस कर रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो म्युनिसिपैलिटी का एक छोटा सा आदमी है, अगर बहस करनी है तो म्युनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेटर के साथ करो। पता है जब से इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए उसने हंसने वाले दांत अपने मुंह में फिट करके रखे हैं। वो देखो, मैं इस एरिया से कॉर्पोरेशन के लिए खड़ा हूँ। वो कॉर्पोरेटर है? कॉर्पोरेटर, अभी उसे देखता हूँ। चलो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मौका दीजिए। ओहो मिस्टर कुलकर्णी। मेरा नाम कुलकर्णी नहीं है। ओ सॉरी सॉरी मिस्टर गोखले। मेरा नाम गोखले भी नहीं है। ओ अभी याद आया, मिस्टर पाटी। अरे ये तू क्या कर रहा है कॉर्पोरेटर, मुझे लगता है सारे वोट देने वालों की लिस्ट तूने याद करके रखी है। लेकिन याद रखना इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं रहेगा। मैं बेकार में आपसे स्माइल कर रहा था। कॉर्पोरेटर इधर आ, मेरे मुंह के पास आकर स्माइल दे, क्योंकि मुझे जो खांसी हुई है वो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ। देशपांडे क्यों बहस कर रहा है यार? अरे जोशी तू जानता है इस देश की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? क्या है? नेता लोग, नेता लोग देश की सबसे बड़ी बीमारी है। ए मिस्टर आप कौन है? चलो हटो, मुझे इलेक्शन के प्रचार के लिए जाना है। छोड़ो, जब देखो प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हो, अरे पहले ये गटर के जो खुले ढक्कन है उसे बंद करवाओ, गंदे नाले बह रहे उसे बंद करवाओ, जब देखो झोली फैला के मत मांगने के लिए आ जाते हो। आप लोगों की झोली में तो गटर का गंदा पानी डालना चाहिए। अरे कॉर्पोरेटर साहब, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना ये आदमी, देखिए ना ये आदमी पागल की तरह रास्ते पर सबको उकसा रहा है। अच्छा अभी देखता हूँ। इंस्पेक्टर, अरे हाथ हटाओ इंस्पेक्टर, अरे गिरफ्तार करना है तो उस नेता को कीजिए। आप जानते हैं इस देश की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पास 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 पार्टी का लेक्चर पुलिस स्टेशन में दे देना। नहीं लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर साहब जरा बात सुन लीजिए। आप कौन है? देखिए पुलिस के काम में दखल अंदाजी की तो इनके साथ आपको भी गिरफ्तार कर दूंगा। अरे गिरफ्तार कर लीजिए, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। नहीं लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। जोशी क्या कर रहा है? एक मिनट जोशी, ये क्या कर रहा है? अच्छा एक काम करना, सुष्मिता से कहना आज का थाना ना बनाए। चलो क्या ले गए मेरे चीजों को, नहीं छोड़ूंगा। सुष्मिता, सुष्मिता। अरे जोशी क्या हुआ, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? अरे मेरे घर में सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारे घर में हो गई है। क्या मतलब? देशपांडे, देशपांडे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? ओह माय गॉड, मेरे डैडी हमेशा कहते थे
ऐसे वांटेड आदमी के साथ शादी मत करना। हाँ, लेकिन पुलिस लालू को क्यों पकड़ के ले गई? अरे वो अपनी एरिया के कारपोरेटर से उलझ गया। क्या? हाँ, वो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने गटर का ढक्कन खुला रखा था इसके लिए। इसका मतलब सामाजिक अन्याय को लेकर मेरा लालू जेल गया है। ऐसे पति पर तो मुझे फक्र है। मुझे लगा था तुम्हें उसकी फिक्र होगी। फिक्र क्यों होगी? ऐसे पति के लिए तो मैं बार बार जेल जाऊंगी। क्या बात कर रही हो? खाना लेकर। हाँ, देखो, लेकिन जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने सचिन को वहाँ भेज दिया है खाना लेकर। फिर भी जोशी, हम पुलिस स्टेशन जाकर लालू को हार पहनाते। जाने की जरूरत नहीं, देखो लालू यही आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ, पुलिस ने तुम्हें इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया? अरे चीजों को पुलिस स्टेशन में रखना खतरे से खाली नहीं था। अरे पुलिस कस्टडी में रखे ने एक घंटा ही हुआ था कि पुलिस कमिश्नर, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, मुजरिम सबको खांसी शुरू हो गई। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने।